तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप रेडमी 6A को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप MI 6A का मोबाइल यूज करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग और टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसको करने बाद आप Redmi 6A को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आपका Redmi 6A कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी स्लो चार्ज हो रहा है, लेकिन मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊंगा उसको बस आपको करना। मैं कोई भी एप्लीकेशन है डाउनलोड करने के लिए कहूँगा, आपको उस सेटिंग को करना, उसके बाद आपका फोन 10 गुना फास्ट चार्ज होगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा उस सेटिंग को करके। तो यदि आप भी अपने Redmi 6A को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आ जाना आपको अपने फोन के सेटिंग में। फोन के सेटिंग में आने के बाद चलिए मैं आपको पहला सेटिंग बताता हूँ, लास्ट वाला सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो उसे आपको जरूर देखना। इसके लिए यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है। अपने लॉक स्क्रीन में आने के बाद स्लिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देन आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट होगा, जिससे आपको 30 सेकेंड पर कर देना है। 30 सेकेंड पर कर देंगे तो जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपका स्क्रीन 30 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे आपका फोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा, नहीं तो 5 मिनट, 2 मिनट तक जाता तो बहुत टाइम तक लेता है, तो इससे आपका फोन स्लो चार्ज होने लगता है। तो इसे आपको 30 सेकेंड पर कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है। नोटिफिकेशन में आने वाले पर कॉफी ऑप्शन है, तो ऐसे कोई कई एप्लीकेशन होते हैं जिससे नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसे नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर, बहुत एप्लीकेशन हुए, उनके नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। बार बार नोटिफिकेशन आता है जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं, तो इससे आपका फोन स्लो चार्ज होने लगता है। तो इसे आप बंद कर देंगे तो आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा और फास्ट चार्ज भी होने लगेगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। इसके लिए आपको फोन के एडिशनल सेटिंग में आने बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आना, उसके बाद आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर देना है। देन उसके बाद सेलेक्ट करना है, यहाँ पे USB डेबिंग एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, यह आपके फोन में बंद होगा, तो इसे आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे, जो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड लिखता है वह नहीं लिखेगा और आपका फोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो इस सेटिंग को कर देना है। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करके नीचे आना है। चलिए मैं आपको दूसरा सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं Force 4X MSAA सेटिंग दिया है, यह सेटिंग भी आपके फोन में बंद होता है, तो इसे भी आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका फोन और ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा, तो इसे भी आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, देन आपको इस पर क्लिक करना है। आपके फोन में नो बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्टअप लिमिट पर होता है, तो इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देंगे तो आपके बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेगा। जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेगा, इससे आपका फोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो इन सेटिंग को कर देना। उसके बाद चलिए मैं आपको लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ। और दोस्तों, आपके फोन में जो भी अपडेट वगैरह आया होगा तो आपको अपडेट कर देना। अपडेट कर देंगे तो और भी आपका फोन फास्ट चार्ज होगा, तो कोई भी अपडेट आया होगा तो आपको अपडेट कर देना। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर सर्च में लिखना चार्जिंग, तो चलिए चार्जिंग लिख देते हैं। चार्जिंग लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। चार्जिंग लिखने के बाद आपको देन ओके करना है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर लाइट अप एंड चार्जिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको बंद कर देना है। इसको बंद कर देंगे तो जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो ऊपर जो लाइट ऑन रहता है वो बंद हो जाएगा, इससे आपका फोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन बंद कर देंगे तो और आपका फोन फास्ट चार्ज होगा। और आप अपने मोबाइल को जब भी चार्ज में लगाएगा तो ब्लूटूथ वाईफाई डाटा को बंद कर देना है और अपनी स्क्रीन को भी कम कर देना है, इससे भी आपका फोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। दोस्तों, यदि आप Redmi 6A के बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसकी आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे नॉलेजबल वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।